चलो बे चलो बजा तैयार छो हम सामने थी जाई जा सामने थी अर्ध गोर अर्ध गोर करना को अचेरा बाजू गोरा गोरा कर कर दो गोरा कर ले बदन देखा है सर्कल मोटू बनाओ थोड़ा दूर थोड़ा दूर जाओ हां पास हो जाएगा चलो सबको नमस्कार नमस्कार मेरा नाम सुनील पटेल मैं सीनियर योग कोच गुजरात राज्य योग बोर्ड से हूँ। आज मैं आपको योग की षटकर्म की जल नीति और सूत्र नीति के बारे में बताने जा रहा हूँ। जल नीति और सूत्र नीति जो है षटकर्म में बताए गए कर्मों में से दो है जो हमारे शरीर के कफ के प्रदेश जो है ये लंग्स के लेकर सिर तक का तो उसकी सफाई के लिए उपयोग में ली जाती है और हमारे शरीर में जितना भी कफ संचय हुआ है उसको बैलेंस करने के लिए ये आसानी से करने वाली क्रिया है और बहुत आसानी से हम उसको बैलेंस कर सकते हैं जो जिससे आयुर्वेद में जो बताए गए कफ से हुए होते हुए रोगों में हमको बहुत ही राहत मिलती है। तो कोई भी दवाई के बगैर सिर्फ ये क्रिया करके आप अपने आप को कफ के रोगों से बचा सकते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं जल नीति और सूत्र नीति। तो जल नीति और सूत्र नीति के लिए हमको एक पानी की ज़रूरत रोज की है। तो ये पानी है पहले से गर्म किया हुआ लुकवॉर्म वाटर है और एक लीटर पानी में एक चम्मच सिंधा नमक डालते हैं। तो ऐसा नमक वाला पानी को हम प्रयोग करना होता है। तो हम पहले करेंगे रबर नीति सूत्र नीति में सूती धागे की उपयोग करने का कहा गया है शास्त्रों में, लेकिन ये धागा से करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और हम अभी इसकी जगह पे आजकल ये जो कैथेटर यूज़ कर रहे हैं उससे भी किया जाता है। ये 3 नंबर का कैथेटर है, आप अपने हिसाब से 3 नंबर 4 नंबर का कैथेटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले ये मैंने सबसे पहले उसको धोया हुआ है, पहले भी इसका प्रयोग मैंने किया था। तो पहले बाज़ार में से अगर लाते हो तो बहुत ही अच्छे से एकदम उबलते हुए पानी में उसको धोना पड़ता है क्योंकि उसके ऊपर सारा पाउडर लगा हुआ होता है। तो वो धोकर तैयार के पहले उपयोग किया है, इसलिए मैं खाली आज उसको थोड़ा साफ करूँगा और उसके ऊपर थोड़ा नारियल तेल है, नारियल तेल लगाते हैं जिससे हमको अंदर जाकर ज़्यादा घर्षण ना हो, डैमेज ना हो। इसके लिए आसानी से थोड़ा ही लेना, ज़्यादा नहीं। तो जब ये रबर नीति करते हैं, सूत्र नीति करते हैं, तो यहाँ से हमको ये पाइप को कैथेटर को अंदर डालते हैं। थोड़ा ही अंदर जाएगा तो वो अटक जाएगा, अटकता है तब उसको थोड़ा ऐसा घुमाते हुए प्रेशर करना है। फोर्स करेंगे तो वो अंदर चला जाएगा धीरे से, यहाँ तक गले तक उसका सीरा आ जाएगा। तो मुँह में से उसको पकड़ लेना है, पकड़ के फिर करेंगे। तो हम क्रिया शुरू करते हैं। चला गया अंदर, ये महसूस हो रहा है कि गले तक पहुंच गया। डालते हैं तो छींके आती है बराबर, जिसको पहली बार कर रहे हैं उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है।
इसको धीरे धीरे आगे पीछे घुमा रहा है। तो ये आपने देखा, एक मिनट भी नहीं लगता है और अंदर फंसा हुआ सारा कफ जो है वो धुलकर निकल जाता है। आँख में से भी पानी निकलता है, मुंह में से भी निकलता है, नाक में से भी निकलता है। तो ये पूरा हो गया हमारा सूत्र नीति। तो जैसे दादा मैं सीता नारायण जो करो, इसका फायदा यही है कफ निकालना। आधी रात में इतना कफ जम जाता है और वो दवाई खानी पड़ती है। इधर सुनिए, जो दवाई खानी पड़ती है तो वो दवाई खानी नहीं पड़ेगी, दवाई खाओगे तो भी तुरंत कफ नहीं निकलता है, उल्टा जाम हो जाएगा दवाई। उधर कफ को सूख जाता है, तो उसकी जगह पे ये आराम से कोई भी दवाई के